तो गाइस जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था भाई कैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियो को बूस्ट कर सकते हो। तो गाइस उस वीडियो को देखकर काफी लोगों ने अपनी रील्स वीडियो को बूस्ट किया, लेकिन वहीं पर काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर डीएम करके फिर कमेंट करके ये चीज पूछ रहे थे कि भाई जैसे ही हम इंस्टाग्राम पर किसी भी रील्स वीडियो को बूस्ट करते हैं, हमारी कुछ रील्स वीडियो तो ऐसी है जो बूस्ट हो जाती है, लेकिन कुछ रील्स वीडियो को बूस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो है ना कुछ इस तरह का एरर शो कर जाता है। अब ये क्यों आ रहा है एंड कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो, यूट्यूब पर आपने काफी सारी वीडियो देखी होगी, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूं भाई। आप जो है ना इजीली अपनी रील वीडियो को बूस्ट कर पाओगे, आपको मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब एक ट्रिक लगा के अपनी उस रील्स वीडियो को, आपकी जो भी रील्स वीडियो, चाहे फिर आपकी सॉन्ग वाली हो, लिपसिंग वाली हो, फिर किसी भी आपकी रील्स वीडियो जो आपकी बूस्ट नहीं हो रही है, आप उसको बूस्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और हां गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो गाइस यहां पर हम सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है, एंड गाइस जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हो उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब गाइस यहां पर मैं सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूं एंड यहां पर मैं आपको बता दूं। तो गाइस देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरी तरह जिस तरह का मैं कंटेंट अपलोड करता हूं, मैं खुद की आवाज में रील्स वीडियो डालता हूं इंस्टाग्राम पर, अगर आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो ना, तो भाई आपको रील्स वीडियो पोस्ट करते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। लेकिन गाइस वहीं पर आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जो खुद की आवाज में वीडियो बनाते होंगे, लेकिन उनको फिर भी खुद की आवाज में वीडियो बनाने के बाद भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी कि वो रील्स वीडियो को बूस्ट करने के लिए आते हैं लेकिन बूस्ट नहीं कर पाते हैं। या फिर आप में से काफी सारे बंदे ऐसे भी होंगे जो मतलब कि भाई लिपसिंग करते हैं या फिर मतलब ऐसे चल रहे हैं, एक्शन वैक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, एंड मतलब किसी भी सॉन्ग पे रील्स वीडियो को बना दिया एंड वो जैसे ही बूस्ट करते हैं ना, तो भाई बूस्ट नहीं होती है। जैसे रील्स वीडियो को बूस्ट करते हैं तो उनको जो है ना वहां पर इस तरह का एरर देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर मैं अकाउंट को स्विच कर लेता हूं, क्योंकि मैंने सेकंड अकाउंट पे कुछ इस तरह की रील्स वीडियो को बनाया है जिसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। अब उसको सही कैसे करना है मैं आपको यहां पर लाइव विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा, एंड आपको भी मतलब वही ट्रिक लगानी है, आप 100% अपने रील्स वीडियो को बूस्ट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल ये रील्स वीडियो है एंड हम इसके थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं, एंड जैसा कि आप देखते हो यहां पर लिखा हुआ गया दिस रील्स वीडियो कांट बी बूस्टेड, यानी कि भाई आप इसको बूस्ट नहीं कर सकते हो। रील दैट यूज कॉपीराइटेड म्यूजिक, यानी कि भाई इसमें जो है ना कॉपीराइटेड म्यूजिक का यूज किया गया है, ये चीज आपको अच्छे से पता होगी। यानी कि इंस्टाग्राम पर जितने भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होते हैं वो सभी कॉपीराइटेड होते हैं, मतलब कि करीब करीब जितने भी सॉन्ग होते हैं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है अगर किसी बंदे ने खुद की आवाज में वीडियो बना रखा है ना, मतलब कि शायरी वगैरह है, तो वो तो देखो भाई कॉपीराइटेड नहीं होगा क्योंकि वो एक बंदे का है, एक आदमी का है। लेकिन जितने भी सॉन्ग आते हैं इंस्टाग्राम पर वो सभी कॉपीराइटेड होते हैं, अगर आप उन पर रील्स वीडियो बना लेते हो तो बाद में आपको मतलब ये एरर देखने के लिए मिलता है, आप अपने रील्स वीडियो को बूस्ट नहीं कर पाते हो। तो ये चीज तो आप समझिए कि आपको मतलब ये क्यों एरर देखने के लिए मिलता है, आखिर ये प्रॉब्लम आपके सामने क्यों आती है, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई वो जो है ना कॉपीराइटेड म्यूजिक होते हैं, जो कॉपीराइटेड म्यूजिक होते हैं ना उनको आप बूस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसके जरिए आप उनको भी बूस्ट कर लोगे, ठीक है। आपको मतलब करना क्या भाई, यहां पर आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये एक रील्स वीडियो है, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं, एंड ये भी बूस्ट हो रही है, एंड जो बूस्ट नहीं हो रही होगी मैं आपको वही करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये एक ऑडियो है, ये ट्रेंडिंग ऑडियो है, एंड जट की स्लो रिवर, मतलब कि इस तरह का ये ऑडियो है, हम इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं, यहां पर एरर आ रहा है, यहां पर लाइव देख लो, ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा आपको वैसे ही करते जाना है। गाइस सबसे पहले आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली कोई भी एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो गाइस जैसे आप एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना लोगे, उसके बाद गाइस आपको करना क्या भाई, आप जिस भी ऑडियो पर रील्स वीडियो बनाने वाले हो आपको सिंपली उस वीडियो पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस ऑडियो पर क्लिक करता हूं, एंड गाइस आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली यूज वीडियो पर क्लिक करना है, एंड ये आपका नया अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने यूज वीडियो पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप रील्स वीडियो को शूट कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको शूट कर लेता हूँ, कुछ सेकंड के लिए मैं शूट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको शूट कर लिया है रील्स वीडियो को, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एंड ये काम आपको सबसे पहले अपने न्यू अकाउंट पे करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको सिंपल इसको शेयर कर देना है, जिसे आप शेयर कर देंगे, शेयर करने के बाद यहाँ पर ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड का वेट करना है। मैं आपको यहाँ पर जो भी दिखाऊंगा यहाँ पर मैं लाइव विद प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपको फेक नहीं बताऊंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये रील्स वीडियो अपलोड हो चुकी है, एंड यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका म्यूजिक सुना देता हूँ, वरना बाद में बोलोगे। आप देखो यहाँ पर इसमें म्यूजिक है, एंड यहाँ पर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर बूस्ट रील पे क्लिक करते हैं, अभी भी यहाँ पर वो एरर शो करेगा, ठीक है। अब आपको इसको फिक्स करना है, फिक्स आप कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, आपको जो है ना इस रील्स वीडियो को आपने नए अकाउंट पर अपलोड किया है, ठीक है, अब आपको इस रील्स वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, या फिर यहाँ पर आप एक ट्रिक और भी लगा सकते हो, आप जो है ना अलग से अपनी रील्स वीडियो को शूट कर सकते हो एंड अलग से आप उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको झंझट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, उस पर रील्स वीडियो को अपलोड करो, जिस भी वीडियो पर आपको रील्स वीडियो बनानी है, चाहे फिर वो ट्रेंडिंग
ऑडियो हो, ट्रेंडिंग म्यूजिक हो, कैसा भी म्यूजिक हो, कितना ही कॉपीराइटेड म्यूजिक हो, आपको उस पर रील्स वीडियो शूट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड नए अकाउंट पर आपको ये काम करना है सबसे पहले, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बूस्ट रील पर क्लिक करके चेक करना है यहाँ पर वो एरर शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ये एरर यहाँ पर नए अकाउंट पर शो कर रहा है, अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद आपको सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना है। अगर एरर शो कर रहा है तभी आपको ये काम करना है, ठीक है। आपको करना क्या भाई, आपको सिंपली लिंक पर क्लिक कर देना है एंड इसका लिंक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिंक कॉपी हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या, आपको सिंपली बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है रील डाउनलोड। जैसे आप ये सर्च कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट मिल जाएगी सियाओ इंस्टाग्राम से, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है जो आपकी रील्स वीडियो की आपने लिंक कॉपी की थी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज करना है एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस ये जो है ना विद म्यूजिक आपकी रील्स वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि म्यूजिक के साथ डाउनलोड होगी, ठीक है। आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है एंड ये डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से इसको बैक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपको अपना जो है ना ओरिजिनल वाला जो आपका अकाउंट है, आप जिस भी अकाउंट पर आपके ज़्यादा फॉलोअर है या फिर जो आपका मेन अकाउंट है जिस पर आप ये रील्स वीडियो अपलोड करने वाले थे, आपको करना क्या भाई, अब जो है ना उस रील्स वीडियो को आपको अपने इस अकाउंट पर अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे, आपको सिंपली प्लस अगेन पर क्लिक करना है एंड अब आपको वायरल बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर उसका ऑडियो सुनाऊंगा। आप यहां पर इसका ऑडियो सुन लिया आपने, यानी कि ये वही ऑडियो है जिस पर मतलब कॉपीराइटेड इशू दिखा रहा था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप जो भी मतलब कैप्शन हैशटैग वगैरह लगाना चाहते हो वो लगा लो एंड यहां पर शेयर कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको शेयर कर दिया। गाइस जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर ये रील्स वीडियो अपलोड हो भी चुकी है एंड यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसका ऑडियो सुनाता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहले हमने रील्स वीडियो अपलोड की थी जिसमें मतलब कॉपीराइटेड इशू दिखा रहा था, आप उसका ऑडियो सुनिए। सबसे पहले आप उसका ऑडियो सुनिए एंड भाई ये सेकंड रील्स वीडियो है, यानी कि मतलब दोनों में ऑडियो सेम है, ठीक है। दोनों में मतलब कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज किया है। बट गाइस यहाँ पर होने क्या वाला है, अब जो आपने सेकंड रील्स वीडियो अपलोड की है ना उसमें आपको ये एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट रील्स वीडियो है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो एरर शो कर देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो हमने डाउनलोड करके दोबारा अपलोड किए ना उसमें एरर शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप ऑडियो भी सुन लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बूस्ट रील पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट रील पे क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रील्स वीडियो बूस्ट होने के लिए तैयार है। यहाँ पर आप मोर प्रोबेबल विजिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा भाई बूस्ट कैसे करते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है कैसे आपको बूस्ट करना है, कैसे आपको ज़्यादा व्यूज मिलेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो एंड इस तरह से आप अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अब आप में से काफी सारे बंदे ऐसे होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि भाई जो रील्स वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम उसको कैसे बूस्ट करें, उसमें ही एरर आ रहा है। तो भाई कुल मिला के इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप उनको डायरेक्टली बूस्ट नहीं कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया भाई आप इसी तरह से इनको बूस्ट कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई डाउट है या फिर आपको इंस्टाग्राम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।